केंद्रीय कारागार में बंदियों के बीच कमीशन का खेल सामने आया। केंद्रीय कारागार में रहने वाले कैदियों को उनके परिजन समय समय पर कपड़े, खाना और पैसे भी भेजते हैं। इस सामानों की चेकिंग करने के बाद बंदी नागेंद्र और उजियार 10% का कमीशन लेकर कैदियों तक ये सामान पहुंचाते थे, जिसका किसी ने एक वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल भी कर दिया। वीडियो में नागेंद्र को पैसे लेते हुए भी देखा जा सकता था। मामले में जेल प्रशासन ने जांच की और उसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया। उनकी सजा में भी जो छूट दी गई थी उसको खत्म कर दिया, लेकिन मामले का जो वीडियो बनाने वाला मोबाइल फोन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मोबाइल तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। सर्चिंग की जाती है बकायदा, जो भी बंदियों का सामान जाता है परिजन देते हैं, पूरी सर्चिंग की जाती है। मोबाइल जो मिला है वो गलत सूचना है। दूसरा, जो वीडियो वायरल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बंदी उजियार जो खुली जेल का है उसको खुली जेल से सस्पेंड करके बंद जेल में रख दिया गया है, और नागेंद्र बंदी जो है जिसको बंदियों के परिजनों कपड़े जमा करने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी, उसको अर्जित परिहार जो है शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो परिहार माफ़ी दी जाती है सजा में छूट का, वो माफ़ी सब उसकी जब्त कर ली गई है, उसे दंडित कर दिया गया है। दोनों बंदियों को उनके इस टाइप के कृत्य के लिए जेल अपराध से दंडित किया गया है।